उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे की शिकायत करने का दौर जारी है। इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग में बीजेपी पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। अब तक चुनावी प्रचार के परिदृश्य से बाहर नजर आ रहे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शुक्रवार को मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सांसद ने कांग्रेस से भाजपा में गए पूर्व विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव में ऐसे भी उम्मीदवार बन गए जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए। कभी भाजपा ने ही इनके खिलाफ बैनर पोस्टर लगाए थे। ये इतिहास में पहली बार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसे उपचुनाव हो रहे हैं जिन उपचुनाव से मौजूदा सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी ये तय होगा। और ये बात स्वयं शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मैं अभी टेम्पररी मुख्यमंत्री हूँ, परमानेंट करने के लिए मुझे चुनाव जिताइए। तो ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं, सरकार रहेगी या जाएगी इन चुनाव के नतीजों पर निर्भर करें। इन चुनाव में हो क्या गया है कि 28 में से 27 उम्मीदवार वो हैं, 26 उम्मीदवार वो हैं जो कांग्रेस से बाहर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन गए, जिनका कि अभी लगभग 1.5-2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था, उनके खिलाफ पोस्टर लगाए थे, बैनर लगाए थे, पर्चे बांटे थे, उनको बेईमान कहा था, भ्रष्टाचारी कहा था। अब वही भाजपा के उम्मीदवार हो गए। ऐसी परिस्थिति में इन 26 उम्मीदवारों को ये डर लगा हुआ है और शिवराज सिंह जी को यह डर लगा हुआ है कि शायद भाजपा के कार्यकर्ता इन दल बदलू भाजपा के विधायक के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव ना प्रचार ना करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की शिकायत करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है लेकिन अधिकारी कुछ नहीं कर रहे। इसलिए उन्होंने पूरा प्रचार का जिम्मा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों विशेषकर पुलिस पर सौंप दिया है और पुलिस के थानेदार कांग्रेस के समर्थक और दलित वर्गों को विशेष तौर पर धौंस दे रहे हैं, डरा रहे हैं। ये कई प्रमाण हमारे पास आए हैं। दिमनी में आपने देखा कांग्रेस के उम्मीदवार के भाई को बुरी तरह से पीटा गया, उसका कसूर क्या था? कसूर यह था कि वो कांग्रेस का प्रचार कर रहा था। इसी तरह से सुमावली क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता की गाड़ी तोड़ दी गई, घर में घुस के तोड़फोड़ की, ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें कि उम्मीदवार मां बहन की गाली दे रहा है कि तेरे को निपटा दूंगा, तू समझा क्या है। इसी तरह से दिनारा के थानेदार, शिवपुरी जिले के दिनारा थानेदार जो कि करेरा विधानसभा में आता है, उसके खिलाफ शिकायतें आ रही, रोज मुकदमे दायर कर रहा है। इसी तरह से सहराई थाना राजीव दुबे अंगावली का, वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से कह रहा है। ये सारी शिकायतें हमने धनोपिया जी ने पहले और आज हमने माननीय राज्य चुनाव आयोग
आयुक्त को उनको दी है और हमें उम्मीद है कि वे इस पे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हमें यह भी सूचित किया है कि विशेष तौर पर एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो कि हर शिकायत का 24 घंटे में रिपोर्ट लेंगे। हम इसके लिए आभारी हैं, लेकिन उनसे अनुरोध हमने किया है कि आप हमें सूचित कर दें कि आखिर रिपोर्ट क्या आई है, उदाहरण के लिए कि। वहीं दिग्विजय ने आरोप लगाए कि सांवेर में आकाश विजयवर्गीय पैसे बांट रहे हैं। करेरा में जसवंत जाटव कह रहे हैं कि वोट नहीं दिया तो गर्दन मरोड़ दूंगा। इस तरह की शिकायतें हमारे पास आई हैं। साथ ही उन्होंने इंदौर निगमायुक्त प्रतिभा पाल की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया। इंदौर में नगर निगम की कमिश्नर जिनके खिलाफ शिकायत हुई, वो शिकायत जिनके खिलाफ है उन्हीं को जांच करने का काम सौंप दिया गया। इस प्रकार से तो ये तो मखौल है, जिसके खिलाफ शिकायत है वो जांच करेगा खुद की, ये तो मखौल है। और इस बारे में हमने घोर आपत्ति की है। पैसे बांटने का स्पष्ट प्रमाण आया है, आकाश विजयवर की पैसे बांट रहे हैं सांवेर में, करेरा में जसवंत जाटव कह रहे हैं 10,000 रुपए लो और वोट नहीं दिया तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा मैं। इस तरह के अनेक शिकायतें हमारे पास आई हैं जो हमने माननीय चुनाव आयोग को दी है। वहीं उपचुनाव में अपनी भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि उपचुनाव में दिग्विजय सिंह की भूमिका है कि भाजपा को हराओ और कांग्रेस को जिताओ। दिग्विजय सिंह की भूमिका है भाजपा को हराओ, दल बदलों को हराओ और फिर से जय जय कमलनाथ करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाओ। बता दें कि आचार संहिता के लागू होने के साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अधिकारियों की निष्पक्षता को लेकर अब तक कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। कांग्रेस का मानना है कि उपचुनाव वाली सीटों पर अधिकारी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। भोपाल से एमपी न्यूज के लिए सुशील यादव की रिपोर्ट।